स्पिरिट्सविला में हर साल की तरह इस साल भी कई कनेक्शन बनेंगे, कईयों के दिल लगेंगे तो कईयों के दिल टूटेंगे भी। पर कौन होगा इस साल का वो कनेक्शन जो शो के बाद भी हमें देखने को मिलेगा, और कौन भले ही गेम जीतने के लिए कनेक्शन बनाएगा पर उनकी मैचिंग वाइफ की वजह से आइडल मैच भी बन जाएगा पर वो साथ नहीं होंगे। ऐसे कई सवाल आपके मन में होंगे। फिकर नॉट, आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका है ना आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल मैचेस ऑफ स्पिरिट्सविला 15 एंड देयर पॉसिबल फ्यूचर, क्योंकि आइडियल मैचेस की पावर से इस शो में कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। आकृति नेगी और जसवंत बोपाना, शो के पहले ही हफ्ते में इन दोनों का कनेक्शन बड़ा ही ऑर्गेनिकली बनता हुआ दिखा। आकृति जहां बहुत ही सेल्फ लव से भरी हुई हैं, वहीं जसवंत का नेचर इज ऑल अबाउट गिविंग लव, इसलिए दोनों का बॉन्ड बड़ा ही आसानी से बन गया और ये दोनों एक दूसरे को एंड तक छोड़ेंगे भी नहीं। कैमरा के लिए या फिर अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज के चलते थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट जरूर देखने को मिलेगा पर कुछ भी इनको अलग नहीं कर पाएगा, इसलिए आइडियल मैच बनने की रेस में ये सबसे आगे होने वाले हैं। रुशाली यादव और हर्ष अरोड़ा, इस साल के मेरे पर्सनल फेवरेट कपल होंगे रुशाली और हर्ष। यार इन दोनों की आंखों में सच्चाई दिखती है, गेम प्लानिंग या फिर डबल फेस नहीं। हर्ष को जहां रुशाली से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, वहीं हर्ष की आंखों से रुशाली भी खुद को बचा नहीं पाई और पहली ही रात को दोनों का बहुत ही जेन्युइन कनेक्शन बनता हुआ दिखा और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो शो के बाद भी डेट कर रहे हैं। रही बात आइडियल मैच की, तो हमने कई प्रोमोज में रुशाली और हर्ष को साथ में ओरेकल के सामने जाते हुए देखा, तो ये दोनों बहुत ही जल्दी आइडियल मैच बनते हुए दिख सकते हैं। अमेहा गुरुग और देवकरण, देवकरण की फिल्मी एंट्री थी जिससे अमेहा इम्प्रेस हुई। उनका SRK की स्टाइल में पोज करना और देवानंद जैसा दिखना ही काफी था अमेहा के लिए टू कनेक्ट विद देवकरण, और इन दोनों को हमने प्रोमो में ओरेकल के सामने जाकर ये सवाल पूछते हुए भी सुना कि क्या हम एक आइडियल मैच हैं? आपको क्या लगता है कि ये दोनों एक आइडियल मैच बन सकते हैं या फिर नहीं? अनिका शेरिन और सिवेत तोमर, अनिका ने तो पहले ही दिन या यू कहूं कुछ ही घंटे में सिवेत को अपना कनेक्शन और आकृति को अपना बेस्ट फ्रेंड बोल दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस भी शॉक में है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं सिवेत और अनिका के बीच में कि उनका कनेक्शन बने। अब ये शो से पहले की प्लानिंग है या फिर ऐसा कुछ हुआ है जो हमें अभी तक दिखाया नहीं गया है पता नहीं, पर जो भी हो शो के बाद भी ये दोनों साथ हैं और शो में भी हमने इन दोनों के साथ में इमोशनल होते हुए और डेट की क्लिप्स जरूर देखे हैं, तो काफी चांसेस हैं कि ये दोनों भी इस साल के आइडियल मैच हो, बट कब वो पता नहीं। दिवांगनी व्यास और अरबाज शेख, दिवांगनी का एक्स बॉयफ्रेंड एंड एक्स फियांसे दिव्यांश पोखरण भी अब शो का हिस्सा है और एक्स फियांसे से मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता, पर कुछ प्रोमो की क्लिप्स में हमने दिवांगनी और अरबाज को कई बार साथ देखा, पर एक्स पार्टनर्स के स्पिरिट्सविला में आने के बाद हो सकता है कि डायनेमिक्स चेंज हो जाए। अब दिवांगनी अपना कनेक्शन अपने पुराने प्यार दिव्यांश को चुनती है या फिर विला के न्यू कनेक्शन अरबाज को, वो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। दिग्विजय देकिला एंड रिंगडन, देकिला का कनेक्शन अभी तक दो लोगों के साथ बनता हुआ दिख रहा है, दिग्विजय और रिंगडन, पर सोशल मीडिया पर सब लोग देकिला और रिंगडन को बहुत प्यार दे रहे हैं। इसके अलावा देकिला एक बार रिंगडन के साथ लाइव आई थी और दोनों की बॉन्डिंग भी दिख रही थी। आपको क्या लगता है कि देकिला दिग्विजय के साथ कनेक्शन बनाती है या फिर रिंगडन के साथ? एडी कशिश और सचिन, एडी और कशिश भी हमें कई बार प्रोमो के अलग अलग रोमांटिक क्लिप्स में दिखे और नो डाउट कि दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री तो जरूर है, पर एडी अभी सिर्फ 19 साल के हैं, तो क्या पता ये एज गैप या इमेच्योरिटी इन दोनों के रिश्ते को आगे जाकर खराब कर दे और कशिश का कनेक्शन किसी और के साथ बन जाए, क्योंकि फिलहाल तो कशिश एडी को सोशल मीडिया पर फॉलो भी नहीं कर रही है। शायद सचिन शर्मा के साथ उनका कनेक्शन बने, क्योंकि आजकल कशिश सचिन के साथ तो काफी हैंग आउट कर रही है। आदित मिनोचा और खनक वागनानी, आदित और खनक का भी कनेक्शन पहले ही रात को बनता हुआ दिख गया था। खनक पहले हर्ष के साथ कनेक्शन बनाना चाहती थी पर हर्ष ने रुशाली को चुना, इसलिए फिर खनक ने अपने ऑप्शंस खोल के रख लिए और जैसे ही आदित ने खनक को अप्रोच किया उन्हें वहीं पर ही आदित पसंद आ गए और काफी चांसेस है कि ये दोनों का कनेक्शन लास्ट तक चले।
इन सब में से आपका फेवरेट कपल कौन है और आप सबसे पहले किसे आइडल मैच बनता हुआ देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।